जा रहे हैं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं कुंदरू की सब्जी। आज आप बनाएंगे कुंदरू की सब्जी? यस, मेरा मन कर रहा है आज बनाने का। ओह माय गॉड, ग्रेट ग्रेट मिस्टर। तो चलते हैं, देखते हैं। और तेजस हमारा हमेशा कुंदरू की सब्जी। तेजस क्या कर रहे हो? सब्जी बना रहे। सब्जी बना रहे हो? ओके, तो आज ये सब्जी बनाई जाएगी तेजस और उसके पापा के द्वारा मिलके। दोनों जन मिलके सब्जी बनाएंगे और मैं आज दिखाऊंगी कि कैसे सब्जी बनाते हैं ये लोग। सब्जी काटने की शुरुआत हो चुकी है, तो आप ये गोल गोल काटेंगे। यस। अच्छा अच्छा, ओके तेजस। हाँ ठीक है, हम दोनों। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कुंदरू काट चुका है, जो कि तेजस। तेजस ये क्या कर रहे हो? हम खाना बना रहे। आपको खाना बनाने को कौन बोला है? आपको खाना बनाने के अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ओके। और ये पापा ये काट रहे हैं। आपको रोना तो नहीं आ रहा प्याज काटते हुए? तो मुस्कुराइए। पापा जो हैं बहुत ही टेस्टी कुंदरू की सब्जी बनाते हैं, इसलिए कुंदरू की सब्जी जब भी हमारे घर में बनती है तो यही बनाते हैं। और अब हमें जो जो चाहिए हो गया ना। यस। तेजस क्या कर रहा है ये? हम खाना बना रहे हैं। इतना खाना क्यों बना रहे हो? सारा गिर जाएगा बेटा। सारा गिर जाएगा? नहीं गिर जाएगा। ये अब क्या कर रहे हो? आधा तो गिरा दिया है, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाओ वरना ये टूटेगा। लाइटर दे रहे हैं आपको। लाइटर मिला तो गैस पे कढ़ाई चढ़ा के गैस फुल पे कर दी है। तो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल डालने के बाद अब वो मसालेदानी, उनको जो भी मसाले चाहिए अपना जैसे बनाते हैं अपने हिसाब से बनाएंगे। आज मैं भी देखूंगी कि कैसे बनाते हैं। पापा कर क्या रहे हैं? जिंजर गार्लिक पेस्ट। हाँ यही दोनों है, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट ले रहे हैं। अब आप स्टार्ट करिए पापा। आप तो शेफ़ की तरह बना रहे हैं बिल्कुल मिस्टर वाजपेयी। no. शेफ़ की तरह आप कर रहे हैं। चलिए, वो भी चाहिए होगा जिससे पढ़ाई वाला। पापा बहुत इरिटेटिंग है, आप सही बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये लो ना, ये लो। ओए रुको रुको, तुम्हारी उंगली दब गई। ये दब रहा है। तो हो गया, गरम हो गया, गरम हो गया। तो ये आपने डाला जीरा, वहाँ तेजस का लगाना चल रहा है। ओके, इसमें हींग डाल रहे हैं। और ये तुम क्या कर रहे हो तेजस यार? खाना बना रहे हैं। आपको कौन बोला खाना बनाने को? ओके, अब यहाँ पे प्याज डल गया। तो प्याज को लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। आपको इधर आके खड़े होना, तो आप इधर ले जाइए। तो अब इसको भूंजना है ना हम लोग को, बेसिकली वाइट कलर का, पिंक कलर का। आप उधर चले जाइए, मैं ऐसे दिखाती हूँ। निकाल लिए तो मैं। तेरेस रुक जाओ, क्या कर रहे हो? बनाओ खाना। तुमने कितने कुंदरू नीचे गिराए तेरे साथ, पिटाई होगी बहुत। अभी अभी हम पिटाई करते हैं। गैस किस पे? मीडियम फ्लेम में। मीडियम फ्लेम। ओके, उसके बाद इसमें हरी मिर्ची डालेंगे स्लिट करके। स्लिट करके, ओके ओके शेफ। स्लिट कर दूंगा। ग्रेट तेजस, पूरी अगर कुंदरू गिरा देगा तो तुम सब्जी किसकी बनाओगे? तेजस अगर सब्जी गिर गई तो खाना नहीं बनेगा फिर। यहाँ हमारे शेफ ने दो मिर्चियाँ डाल दी हैं, अगर आप लोग तो कम मिर्ची खाते तो कम डालिए। तेजस ये क्या कर रहे हो? अब इसको मिक्स करेंगे। तो ये कुंदरू की सब्जी है, कई लोग इसको रस्से वाली भी खाते हैं, कई लोग सूखी भी खाते हैं। पहले मेरी मम्मी के घर रस्से वाली बनती थी, बट जब से मेरी शादी होके मैं यहाँ आई हूँ तब से हम लोग सूखी ही खाते हैं। ये शिखर स्टाइल सब्जी है। जिंजर एंड गार्लिक। अब क्या डालोगे? जिंजर एंड गार्लिक। तो जिंजर गार्लिक ले लीजिए। ये आपका किसका है? गार्लिक आई थिंक। तो गार्लिक डालिए आपको जितना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने गार्लिक तीन ड्रॉप्स गिराए हो शिकू। उसके बाद जिंजर डाल लो।
डेकोरेट। अब ये सब काम जल्दी जल्दी करेंगे तो हमारा अच्छा चलेगा। अब इसको मिक्स करके पकाएंगे एक दो मिनट तक। ये तुम क्या कर रहे हो तेजस? इधर आ जाओ। ओके हाँ, अब आप मसाले डालिए जो जो आपको डालना है। आधा टीस्पून देन हल्दी। हल्दी यहाँ आप देख सकते हैं प्याज पिंक कलर के हो गए हैं जैसे कि बोल रहे थे, उसके बाद मसाले डाल रहे हैं। फिर एक चम्मच लाल मिर्ची, आप मिर्ची अपने हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि हमने सूखी मिर्ची भी डाली थी। धनिया, दो चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच सब्जी मसाला। और फिर उसके बाद सब्जी मसाला अगर आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं ना। यस ओके। अब हमें इसको मिक्स करना है। ये तेजस पता नहीं क्या कर रहा है, उसमें नमक को मंग मिला रहा है, चाट बना रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो यार? खाना क्यों बना ले हो? नमक भी डाला है यार, काले नमक की महक आ रही है। अब तुम्हें वो डालना है सब्जियां। नहीं, थोड़ा सा एक मिनट और जाने देंगे फिर उसके। ओए तेजस नो, ये क्या कर रहे हो? इसको नहीं डालते, नो। चीनी डाल दे। चीनी नहीं है वो, दैट इज सॉल्ट। नो सॉल्ट, नो नीड टू एक्टिंग। हम थोड़ा वेजिटेबल्स बना रहे हैं। ओके हाँ पापा, वेजिटेबल बना लीजिए। ये जो गिरी हुई है इससे तेजस, ये वाली से तेजस खेलेगा, वो ये वाली लो लो। हाँ इसमें तेजस के सारी डाल लो। हाँ हमने वॉश कर दी थी सारे। अभी डाल रहे हैं इसमें। हाँ तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ डाल रहे हैं। इसको ये छन्नी दे देना, इसमें अपना खेलता रहेगा। अब इसको मिक्स करेंगे और गैस लो फ्लेम पे ही है। इसको मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली। हाँ आप थोड़ी तेज आवाज में बोलिए। ये मिक्स कर लेंगे जब तक ये प्रॉपरली हाँ मसाला इसमें मिल ना जाए। अच्छा अच्छा, अभी प्रॉपर यहाँ पे मिल चुका है। अच्छा तो अभी प्रॉपर मिल गया है। हाँ अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। हाँ और पानी डाल के इसे ढक देंगे ताकि ये प्रॉपरली पक जाएगा। 10 मिनट से 15 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ेंगे। आपको थोड़ी आवाज़ ऊंची करनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक पड़ेगा, थोड़ा सा और पड़ेगा। मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ यहाँ पर। जी हाँ आपका हिसाब सही रहता है मोस्टली। आपकी तारीफ ज़्यादा ही हो रही है वैसे। मैं तारीफ ला रही थी। यस यस, वाह यार बड़ी टेस्टी दिख रही है बने बिना ही। अब इसको कला रहे हैं कितनी देर पकने के बाद, उतना ही अच्छा है। जितनी देर आप सब्जी को पकने के बाद भूंजेंगे उतनी अच्छी से सब्जी बनेगी। ये यहाँ पे तो मिक्स हो गया है। हाँ अब इसको कवर, थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छा अच्छा, वो जग में है थोड़ा। तेजस नो, तुम क्या कर रहे हो यार? हम खाना बना रहे हैं। हींग डाल के खाना बना रहे हैं। तुम्हारा लड़का भी खाना बना रहा है। ओके तो यहाँ पे पानी, पानी डाल दिया। ओके अब इसको कवर कर दीजिए, ढक देंगे। ओके सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। पहले तो आप सारी वीडियोस पापा की देख रहे थे, आज वो कुकिंग कर रहे हैं। तो सब्जी जो है वो ऑलमोस्ट क्या, अभी सब्जी चढ़ी है, उसको बनने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो फिर 15-20 मिनट में सब्जी बन जाएगी, उसके बाद हम अपनी रोटी बनाएंगे या दाल बनाएंगे जो भी हमें चाहिए। हाय पापा, आपका मोबाइल हमें नहीं पता। तो मैं आ गई थी यहाँ, मैंने सोचा मैं बालकनी में थोड़ी देर, और मेरी कवर मोस्टली खुली रहती। ये देखिए मेरे यहाँ से पूरा ऐसे दिखता है। तो अब मैं बालकनी में बैठी हूँ, यहाँ बैठ के रात में बहुत अच्छा लगता है। पीछे पूरा शहर जगमग जगमग दिखता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे रात में बैठ जाती हूँ और बस थोड़ी देर बैठेंगे अब हम, फिर उसके बाद अंदर जाएंगे, बाकी का काम करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से कैसा दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, मैं काफ़ी हाइट पे रहती हूँ तो नीचे
ये ऐसा दिखता है, पूरा शहर दिखता है, जगमग जगमग करता है। देखिए आप लोग को भी लग रहा होगा ना, जगमग जगमग बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से पूरा वहाँ तक जगमग जगमग दिखता रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे यहाँ बैठना, तो मैं यहाँ पे मोस्टली बैठती हूँ। बहुत अच्छा लगता है सब देखना, बहुत अच्छी अच्छी ठंडी हवा चलती रहती है और गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं, एक दो ये ट्रक्स वगैरह मोस्टली रात में निकलते हैं, तो वही सब हो रहा है। तो क्या हाल है आपकी रोटी का? सब्जी कैसी है अभी? ये गल रही है, मतलब पक रही है अभी, तो उसको थोड़े से और हम लोग पाँच छः मिनट और लगेगा। अभी बीच में चलाते रहेंगे वरना नीचे चिपक जाती है थोड़ा, फिर जल जाएगी, इसलिए थोड़ा सा इसको बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे और फिर हम लोग इसको थोड़ी देर में फिर देखते हैं। ओके, तो क्या हाल है? तो ये सब्जी हम लोग की बस बन गई है और वो डिपेंड करता है कि कुछ कुछ लोग और देर तक खलाते हैं, तो मतलब इसको ऐसे ही चलाते रहते हैं तो और कलर भूंजते हैं तो अभी जैसे और भून सकते हैं, पर्टिकुलर किसी को जल्दी ही खाने की तो वो खा सकता है। ओके तो थोड़ी देर तेज गैस पे करके भूंजे ना फिर आप। हाँ, तेज गैस है, मीडियम गैस पे कर सकते हैं और इसको ऐसे ही चला सकते हैं, फिर इसके बाद आराम से। तो बताइए ये सब्जी को बनने में कितना टाइम लगा? ये सब्जी को बनने में एक्चुअली में अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो अराउंड 20-25 मिनट्स लगता है। हाँ। और अगर आपको और भूंजना है ऐसे तो हाफ एन आवर भी लग सकता है, बट और भून के, लेकिन अभी ये बन रही है, खाने के लिए रेडी है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। और यहाँ मैंने रोटियाँ भी बना ली है और इसको जैसे हम थोड़ी देर और इसको भूंजेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी ऊपर से डाल सकते हैं, थोड़ा सा खटाई थोड़ा सा फ्लेवर आएगा, तो मैं भी डालता हूँ उसको थोड़ा सा। तो हम लोग अपने सारे मसाले बेसिकली फ्रिज में रखते हैं, इसलिए वो सारे डिब्बे के साथ ही रखते हुए हैं वैसे। बन गई है हम लोग इसको खा सकते हैं दाल के साथ, रोटी के साथ और चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। एक बात बताइए, आप चावल खाते हैं जो आप राय दे रहे हैं? मैं खाता हूं, बट मैं लोगों को देखता हूं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को इंडिया में राइस बहुत पसंद है। ओके। और बहुत स्टेट्स में स्टेपल फूड भी है। अच्छा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का भी आपको ये पता है? जहाँ रहते हैं वहाँ का है, कर्नाटका का है फॉर श्योर, लेकिन हम इतना पसंद नहीं करते हैं। ओके ओके, तो चलिए फिर अब खाना लगाया जाए। बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खाना तैयार हो गया है, सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो यहाँ सब्जी है, दाल है और सलाद है, और आम मैं बाद में लेके जाऊँगी, तो मैं शेखू के लिए खाना लेके जा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं किचन सेट करूँगी। इसके बाद मैं सोचूँ पहले तेजस को खिला दूँ फिर किचन सेट करके हम लोग खाएँगे, और ये साथ में मैंगो भी बहुत ही मीठे थे, बहुत ही अच्छा लगता, और तेजस को भी बहुत पसंद है मैंगो, उसको भी पसंद है। हम लोग ने फिर खाना खाया, बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, तो ये मेरी बॉटल में रिफाइंड खाली हो गया था, उसको मैं डालने के लिए जा रही हूँ, और रिफाइंड डालने के लिए मैंने ये छन्नी ली है। छन्नी मैंने बहुत ही अच्छी है, मैंने उससे ली थी फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से, इससे आपका कढ़ाई वाला ऑयल भी इस साइड से आ जाता है, और इसमें अगर आपको किसी बॉटल्स वगैरह में डालने हो तो उससे भी आ जाता है, और ये बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब मैं पहले डालने में मुझे प्रॉब्लम होती थी क्योंकि आजकल बॉटल्स ऐसी होती है, तो फिर मैं इसके हेल्प से इसमें अच्छे से ऑयल डाल लेती हूँ, बहुत ही अच्छे से चला जाता है। तो मेरी 1 लीटर की बॉटल है, तो जैसे पूड़ी पराठा ये सब बनते ही रहते हैं तो उसमें ऑयल ज़्यादा लगता है, तो मेरा हमेशा मतलब पलटना रहता है, तो मुझे स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने ले लिया। आप ये देख सकते हैं आराम से ऑयल इसमें जाता है और बाहर गिरता नहीं, वेस्ट नहीं होता, तो ये बहुत ही अच्छी है। धीरे धीरे करके अब सारा ऑयल देखिए मैंने उसमें डाल लिया है, अब धीरे धीरे करके सारा ऑयल एक बार में इसमें चला जाएगा। मुझे बहुत अच्छी लगती है छन्नी, तो मैं ऑयल या मस्टर्ड ऑयल तो फ़िलहाल बॉटल में ही आता है, एक और बॉटल है जो कि मोस्टली खाली रहती है, इसकी 2 बॉटल का सेट था, तो ये भर जाती है, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आराम से ऑयल इससे अंदर चला जाता है, और अच्छे से जितना ऑयल चाहिए इतना भर गया। मैं थोड़ा सा और डालूंगी जिससे कि ये बॉटल पूरी भर जाएगी, मैंने ऊपर तक नहीं भरी है, मैंने ये बॉटल इतनी भरी है,
और अब मैं इसको यहाँ पे जाके इसकी जगह पे रख दूँगी जहाँ पे रहती है। ये दूसरी वाली मस्टर्ड ऑयल की, ये भी मैंने ले ली थी, पर क्योंकि ऑयल्स बॉटल में रहते हैं तो ये मोस्टली खाली रहती है बॉटल, ये मैंने रख दिया। और अब रात का टाइम हो रहा है तो मैं अब सब कुछ लाइट और किचन साफ़ कर दिया है मैंने, और इसके बाद ये मैं लाइट बंद कर रही हूँ और ये अपना ये नीचे कर दिया मैं। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, सारा काम हो गया जैसे कि उन्होंने बताया, किचन विचन मैंने सब साफ़ कर लिया है और अब हम लोग सोएंगे। सोएंगे तो नहीं, अभी मैं एक सीरीज़ देख रही हूँ तो वो सीरीज़ देखूँगी थोड़ी देर, उसके बाद सोने का कुछ सीन स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है जैसे कि आपको दिख सकता है, मैं पूरी पसीने से। अच्छा तेजस ये देखो, तेजस कुछ बताओ। अच्छा तेजस जॉनी जॉनी वाली पोएम सुना दो। जॉनी जॉनी पापा पहले सर टेलिंग लाइज नो पापा नो पापा ओपन यू। अच्छा तेजस अब ये बता दो जरा, वेयर इज योर आईज। अच्छा स्टार्ट से, शुरू से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज योर नेम? तेजस। हाउ ओल्ड आर यू? 2 ईयर। एंड वेयर इज योर आईज? वेयर इज योर नोज? वेयर इज योर टंग? वेयर इज योर ईयर? ईयर, हाँ करेक्ट करेक्ट, गलत बताते बताते सही बता दिया। एंड वेयर इज योर हेयर? वेयर इज योर चीक्स? वेयर इज योर चिन? एंड वेयर इज योर नेक? वेयर इज योर शोल्डर? वाओ, वेयर इज योर थंब? एंड वेयर इज योर हैंड? वेयर इज योर फिंगर्स? फिंगर्स। एंड वेयर इज योर हेड? हेड। गुड जॉब तेजस। बोलो गुड नाइट। गुड नाइट। Take care. Love you. Love you. बोलो TikTok बनाओ। TikTok बनाओ। मैं TikTok बनाता हूँ। मैं TikTok बनाता हूँ। मेरा TikTok देखो। मेरा TikTok देखो। मैं अच्छा अच्छा TikTok बनाता हूँ। अच्छा अच्छा TikTok बनाता हूँ मैं। ये देखो TikTok। ये क्या चीज़ है तेजस? ये बॉल है। ये बॉल किस चीज़ की है? गंदी। छोटी बॉल। छोटी बॉल है? ओके तेजस, आपकी चोटी तो बड़ी अच्छी लग रही है। मैंगो है? मैंगो नहीं है। आज तेजस ने मैंगो खाया? तेजस को मैंगो कैसा लगता है? अच्छा अच्छा नॉम लगता है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और तेजस की बहुत अच्छी अच्छी टिकटॉक है, अगर आप टिकटॉक पे हैं तो टिकटॉक में लिव लाइफ क्वीन साइज जो मेरे चैनल का नाम है उसी नाम से सर्च करिए तो मिलेगी, उसमें तेजस ने बहुत अच्छी अच्छी टिकटॉक बनाई। बाय तेजस, बाय कर रहा है। चलिए फिर मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, घर पे रहिए, स्टे सेफ, टेक केयर, चीसी, स्टेसी, स्टेसी तो कार्टून है। तो आप लोग ने घर पे रहिए, सेफ रहिए, चलिए तब तक मैं मिलती हूँ। और ये वीडियो अच्छी, बोलो ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नीचे कमेंट्स करिए। चलिए मैं मिलती हूँ, बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट, एंजॉय एंजॉय।